फ्रेंड, मैं नंदलाल मोर आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग देखें दक्षिणपुर मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन के ओएस का क्वेश्चन पेपर है। ये 42 लेवल का क्वेश्चन स्तर 6 है। 20% एलडीसी के विरुद्ध कार्यालय अधीक्षक के पद पर हेतु लिखित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र है, तो इसको देखेंगे। इसमें तो ये एग्जाम हुआ था 16/9/2023 को एग्जाम हुआ था, 2 घंटे का समय था और ये एस्टेब्लिशमेंट का ही क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें से भी आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा ग्रुप बी सेवा में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये सीओए या सीआरबी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा ग्रुप बी सेवा में नियुक्त किसके द्वारा की जाती है? तो सीईओ या सीआरबी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, सीनियर कलर के लिए सीधी भर्ती कोटा क्या है? सीनियर कलर के लिए सीधी भर्ती कोटा क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 20% है। अगला क्वेश्चन है, सहायक ट्रैक मशीन टीएम या असिस्टेंट का चिकित्सा वर्गीकरण क्या है? सहायक ट्रैक मशीन चिकित्सा वर्गीकरण क्या है? तो ये आपका A3 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मंडल स्तर पर ट्रैक रेस्ट के परिणाम पैनल को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो ये आपका है विभाग के पदोन्नति JAG अधिकारी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, नर्सिंग अधीक्षक में सीधी भर्ती का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 100% होता है, सीधा भर्ती के लिए 100% होता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे कर्मचारी के ग्रहण ग्रहण अधिकारी निम्नलिखित स्थितियों में कैडर में बरकरार रखा जाता है? गलत कथन चुने। छुट्टी पर, प्रतिनियुक्ति पर, विलंबन पर, क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप सी के भीतर गैर चयन पद पर पदोन्नत के लिए तत्काल निचले ग्रेड में नियुक्ति न्यूनतम सेवा शर्त क्या है? ग्रुप सी के भीतर गैर चयन पद पर पदोन्नत के लिए तत्काल निचले ग्रेड में न्यूनतम सेवा शर्त क्या है?